दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत तो इस मुकाबले में अच्छी रही, लेकिन पारी के चौथे ही ओवर में शिखर धवन के साथ बीच मैदान पर तगड़ा ड्रामा देखा गया। चलिए बताते हैं आपको पूरे वाक्य के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन को क्या T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो शिखर धवन का बल्ला आईपीएल में 2021 में आग उगलता हुआ नजर आ चुका है। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में शिखर धवन का नाम पहले स्थान पर है और केकेआर के खिलाफ जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो शिखर धवन ने एक बार फिर से मोर्चे को संभालते हुए सभी गेंदबाजों की शुरुआती ओवर से ही जमकर पिटाई की। हालांकि इस मैच में एक परिवर्तन देखा गया, पृथ्वी शॉ की जगह अब की बार इस मुकाबले में बतौर सलामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को मौका दिया गया। शिखर धवन ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। शिखर धवन ने दूसरे ही ओवर में टिम साउदी की गेंद पर शानदार चौका लगा दिया और अपने इरादे साफ कर दिए कि आज इस मुकाबले में शिखर धवन फिर एक बार अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि संजू सैमसन अब रनों में शिखर धवन से आगे निकल चुके थे तो शिखर धवन को ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी भी करनी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पारी का चौथा ओवर करने आए टिम साउदी, जिनके ओवर में शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए काफी रन बटोरे और ये ओवर की पांचवी गेंद थी जो शिखर धवन के सीधे पैड में जा लगी। टिम साउदी ने अंपायर से अपील भी की लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने फैसला लिया और DRS के लिए अपील कर दी और यह फैसला अब थर्ड एम्पायर के पास चला गया। और अब रीप्ले में देखा गया तो गेंद शिखर धवन के पैड में तो लग रही थी लेकिन गेंद में ऊंचाई के कारण वो गेंद वेल्स के ऊपर से जा रही थी। लेकिन दोस्तों, शिखर धवन तो इस बात को जानते थे कि वो नॉट आउट हैं और उनके चेहरे के जिस तरह के एक्सप्रेशन सामने आ रहे थे उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शिखर धवन यही सोच रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बेवजह टाइम खराब कर रही है क्योंकि पूरी तरह से वो नॉट आउट है। और दोस्तों, एम्पायर ने थोड़ी देर में ये फैसला सुना दिया कि शिखर धवन नॉट आउट है। उसके बाद शिखर धवन भी मैदान पर हंसते हुए नजर आए क्योंकि लगभग 5 से 10 मिनट का समय इस बीच खराब हो चुका था। अब थर्ड एम्पायर ने इस बात का फैसला सुना दिया जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को इस बात का विश्वास हुआ कि शिखर धवन वाकई में नॉट आउट थे, जिसकी वजह से इस मैच के चौथे ही ओवर में बीच मैदान पर शिखर धवन के साथ ये एक तगड़ा ड्रामा देखा गया। वैसे दोस्तों, आप सभी शिखर धवन की काबिलियत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।